दोस्तों नमस्कार। आज देख सकते हैं मध्य विद्यालय ओलापुर में आज कैंप का आज चौथा दिन देख सकते हैं। सभी बच्चे अपने जगह पर तैनात हैं। यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हुआ अभी देख सकते हैं, और इसमें उपस्थित आज झंडोत्तोलन में कलर पार्टी के रूप में आज झंडा लीडर, इसके बाद हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के साथ शिक्षकगण उपस्थित हैं। परेड विश्राम सावधान सैल्यूट जैसे थे स्वागतम क्लैप्स गो। देखते हैं अतिथियों का स्वागत। क्या नाम है मैडम आपका? कैसा लग रहा है आपके विद्यालय में पहली बार स्काउट गाइड का प्रशिक्षण हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? विद्यालय में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे 26 जनवरी या सरकार के कई योजना, तो बच्चे क्या अच्छे कर पाएंगे क्या भविष्य में? अच्छे कर पाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सशीलता है। अच्छा सशीलता मैम, ये जिस तरह से बच्चे को के अंदर नई नई प्रतिभाएं देखने का मौका मिला, कई तरह के आप पढ़ाने का काम कर रहे थे शुरू से, बच्चों में अलग अलग, जिस बच्चों को कभी आप देखे नहीं होंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स बना सकता है, कोई अलग अलग हैंडीक्राफ्ट बना सकता है, इस तरह से बनाने, क्या कैसा लग रहा है ये संस्था? क्या हर स्कूल में होना चाहिए? एकदम होना चाहिए सर, ये काफ़ी अच्छा है। बच्चे इससे काफ़ी अनुशासित हो रहे हैं। स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चे अपने जीवन में कैसे अनुशासन का महत्व समझ सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग आज इन्हें मिल रही है, जिससे हमारे विद्यालय के बच्चे काफ़ी अनुशासित हो रहे हैं और इनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा थी वह सामने आ रही है। क्या आने वाले बहुत सारे शिक्षक या बच्चों को लगता होगा कि इससे पढ़ाई कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे वैसे शिक्षक या बच्चों को? इससे सर पढ़ाई का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इससे पढ़ाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में इस तरह के ट्रेनिंग से, इस तरह के कार्यक्रम से अनुशासन आएगा और उससे बच्चे अपने जीवन में पढ़ने के लिए भी प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं मैडम, जो आप मध्य विद्यालय ओलापुर से थी और लगातार बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर नई नई, मैम क्या नाम है आपका? नाम बता दें। लीना कुमारी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलिए धन्यवाद सर। आप लगातार इस विद्यालय से भी जुड़े, फिर यहाँ से सिवानपुर से भी आज जुड़कर वहाँ के भी बच्चों को, जैसे ही आप पहुँचे वहाँ मनीष सर के साथ, आपका बहुत अच्छा तालमेल के साथ वहाँ के बच्चों के साथ स्काउट गाइड का, क्या आने वाले समय में और अन्य विद्यालयों को भी जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए सर, जुड़ने से बहुत अच्छा रहेगा, बच्चा भी अनुशासित होगा और बच्चे में जो है एक्टिविटी करने का आदत पड़ेगा। आपका नाम सर? मुनेश्वर मंडल। क्या कहेंगे आज जो बच्चों के बीच आप आए हैं, पुनः वही चेहरा, फिर बच्चे आपको देख कर काफ़ी उत्साहित हो गए, तो कैसा आज बच्चों को क्या कहेंगे सर? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बच्चे को, और इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सुभाष चंद्र मंडल है। सर कैसा लग रहा है आपके विद्यालय में? यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय ने एक इतिहास रच दिया, कई प्रधानाध्यापक महोदय आए गए, लेकिन आज स्काउट्स एंड गाइड का शुभारंभ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह का यहाँ पर पहला कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ था, और जो भी बच्चे सब कर रहे हैं देख करके हमको लग रहा है कि कुछ नया यहाँ पर हो रहा है। पढ़ाई के साथ ये सब भी जो है बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण कुमार। आपका परिचय? पहले इसी विद्यालय में प्रतिस्थापित थे जी, पहले मधुबन टोला चले गए हैं। मधुबन टोला, तो क्या सर आप मधुबन टोल जो दियारा साइड में है, बगले में है मधुबन? अच्छा, ओहो सॉरी, तो ये कहेंगे सर कि वहाँ के बच्चों में क्या मिडिल स्कूल से ही मधुबन, तो क्या वहाँ के बच्चों को भी जरूरी है या नहीं? हाँ जरूरी है। तो क्या लग रहा है आज आप भी बच्चों के बीच आए, कुछ नई नई चीज देख रहे हैं कि आज बच्चों के अंदर कई तरह की प्रतिभा देख रहे हैं, बैग के द्वारा वहाँ सोफा सेट बनाया गया या कई तरह का यहाँ पर देख रहे हैं, जरा सा एक लड़की जाकर लेकर सर को जरा सा वो एक दो जा लेके आओ फर्स्ट एड बॉक्स जरा, या बच्चों के अंदर जिस तरह आपका सम्मान किया जा रहा है बुके से, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय से वहाँ सहयोगी हैं, ये भी इनका भी सम्मान हो रहा है, तो इस तरह करके जो है
हमारे जो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक महत ओलापुर के हैं तो इनको भी दिखा दो, फर्स्ट एड हमारे हाँ खोल के दिखाओ। तो इस तरह सर कैसा बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में यहाँ के बच्चे की प्रतिभा मतलब उभर कर सामने आई है जी, या वक्तव्य या बात या करके मधुबन में भी बोलेंगे। इस अनुशासन को देख करके हम बहुत खुश हुए और यह कार्यक्रम मधुबन में स्कूल में भी हो जी। तो हम प्रधानाध्यापक महोदय से बात कर रहे हैं, चूंकि सर ये लगातार जो अभी हम लोग को 5 दिन का जो प्रशिक्षण चला, इसमें सर क्या आज लग रहा है कि निश्चित बच्चों में कुछ बदलाव, या बहुत सारा चीज़ बच्चों को देखते होंगे, कोई बच्चों को खाली पढ़ते हुए और जाते हुए देखते होंगे, लेकिन यहाँ कई तरह के कार्यक्रम बच्चे के अंदर कई तरह के हुनर, क्या कहेंगे सर? हम लोगों के पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है, शैक्षिक सह गतिविधि कि पठन पाठन के अलावे भी बच्चों में जो प्रतिभा है उसको बाहर निकाला जाए, और ये एक प्लेटफॉर्म है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है कि अभी तक बच्चे जैसे थे क्या होता है नहीं होता है अननोन था, नहीं पता था, लेकिन अब इनके द्वारा ये चीज़ जाना गया। जैसे एक एग्जांपल फर्स्ट एड बॉक्स, बहुत लोग ऐसे नहीं जानते थे फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, अब पता चल गया कि फर्स्ट एड बॉक्स प्रारंभिक चिकित्सा से संबंधित जुड़ा हुआ, ये अपने घर जो प्रत्येक घर में रहना जरूरी है चाहिए, मतलब किसी को चोट लग गया तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो छोटा सा एग्जांपल तो यही है कि फर्स्ट एड बॉक्स से ये परिचित हो गया, जी सकता है कि नहीं जानता हो। बहुत सारे ऐसे चीज सिखाए गए होंगे, जैसे कुछ देर पहले झंडा बांधने के बारे में आपने सिखाया, वो काफी प्रेरणादायक था, लोग झंडा जैसे तैसे बांध देते थे, अब हो गया ना कि झंडा ऐसे बांधना है ऐसे फहराना है, इस तरह के कई सारे गतिविधि इंक्लूड हुआ इसमें और बच्चों के द्वारा सीखा गया जाना गया, और हम भविष्य में भी अपेक्षा करते रहेंगे कि और सारे गतिविधि विद्यालय में हो, ताकि बच्चों का भी बीच बीच में मनोरंजन होना चाहिए। और ये काफ़ी प्रेरणादायक है, हम तो यही समझते हैं, हम तो कई जगह आपके साथ भी गए देखते थे, तो उसी क्रम में ये हुआ कि भाई यहाँ भी होना चाहिए, और उसी का एक प्रयास है जो सफल है आज। क्लैप्स गो। तो सर क्या कहेंगे, आप स्काउट में सहयोग कर रहे हैं, सहयोगी के रूप में हमारे साथ आज कदम से कदम 5 लगातार 4 दिन है और 5वां दिन कल है, तो उसकी जो लगातार जो तैयारी और बच्चों में आप एकदम नज़दीक से देख पा रहे हैं, एक एक बारीकी से देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर आज के दिन? मैं सबसे पहले मैं अपने प्रधानाध्यापक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने प्रयास से हमारे विद्यालय में ये भारत स्काउट गाइड का जो प्रशिक्षण है इनको बाय जबरन चाहे जैसे भी हो यहाँ पर लाए। हम सभी शिक्षक भी उनके धन्यवाद के आभारी हैं और छात्रों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं अपने प्रधानाध्यापक का, साथ ही साथ इन बच्चों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विद्यालय के प्रांगण में इस कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चे इस तरह से इसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन मैं आपके साथ रह करके जहाँ तक हुआ सहयोग किया और हमारे बच्चों के बीच जो प्रतिभाएँ उभर कर सामने आ रही है ये बहुत ही दर्शनीय दिखने योग्य है, और यह मैसेज हमारे प्रखंड से जिला तक शायद आप पहुँचाएंगे ताकि हमारे विद्यालय का नाम और आगे बढ़े और हमारे बच्चे का भी इस तरह से नाम आगे बढ़े। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो कई विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी का चिट्ठी आता है, इसके अलावे मैं बहुत जगह जाता हूँ, प्रधानाध्यापक महोदय कहते हैं कि पैसा का फंडिंग के कारण हम नहीं, लेकिन कई कोई फंडिंग नहीं होता है, लेकिन अपना पैसा लगा कर आप विद्यालय में अपना पैसा लगाकर स्काउट गाइड का यूनिट खुलवा रहे हैं, तो क्या और भी बहुत ऐसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय कह पाते हैं कि पैसा नहीं है, तो आपके अंदर या अन्य बहुत ऐसे विद्यालय आज हैं जो नन्हीवाई मध्य विद्यालय कन्या मध्य जगत मात्र इस तरह बसंतपुर कई स्कूल जो है लगभग 35 प्रखंड ही नहीं, भागलपुर जिले के कई कई जगह पर मिडिल स्कूल में कोई बालचर कोष नहीं है ऐसा, लेकिन प्रधानाध्यापक महोदय कहीं ना कहीं अपने पैकेट से कहिए या कहीं से भी बच्चों के लिए करते हैं, तो क्या वैसे प्रधानाध्यापक महोदय कहेंगे जो कहते हैं पैसा नहीं है मेरे पास, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज बच्चों के लिए त्याग के लिए? देखिए पैसा एक फैक्टर है, लेकिन यदि इच्छा शक्ति हो जी हमको ऐसा कराना है तो फिर पैसा बहुत मायने नहीं रखता है। जैसे हम ही लोग कराए थे, चलो पैसा तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए बहुत खर्च करते हैं, तो यहाँ जब इतना बच्चे के लिए
क्या नहीं किया जा सकता है, अपने बच्चे के लिए हम करते हैं ना भाई। और आज सर आपने, और आज सर आपने इसमें 2-4-5 हजार खर्च हो गया, बहुत बड़ा चीज नहीं है। और सर एक और इससे भी तो खुशी हुई कि आपने एक इतिहास रचा, लोग इतिहास रचने की एक प्रयास था, इतिहास तो हिस्टोरिकल कुछ नहीं, इतिहास सर क्या इस बात को आप मानते कि नहीं इन्होंने इतिहास रचा? लाल बाबू ने जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक ने इतिहास रचा है, क्योंकि पहली बार इन्होंने कभी भी अगर यहाँ से जाएंगे या कोई प्रधानाध्यापक महोदय आएंगे तो वो कहेंगे कि लाल बाबू के समय से ही ये कार्यक्रम शुरू है, तो इतिहास रचने का काम किए कि नहीं? इतिहास रचने का काम। तो क्लैप्स गो। अपना सर परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमन कुमार रजक हुआ, मैं मध्य विद्यालय वलापुर का शिक्षक हूँ। सर ये बात बताइए, आज लगातार आपके विद्यालय में स्काउट्स और गाइड का ट्रेनिंग चल रहा है, कई तरह के बच्चे बैग के द्वारा सोफा सेट बना रहे हैं या कई तरह के अपने कलाओं को उभारने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कि बच्चे बहुत अच्छे से जो है ना, जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आपके द्वारा जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसको बहुत अच्छा से बना रहे हैं, और यहाँ बच्चे भी बनाते भी हैं, पहले से भी बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो आपके देखते हैं निर्देशानुसार में बहुत अच्छा सब ये प्रोजेक्ट बना के दिखा रहे हैं बच्चे सर। ये सब तो हम लोग पहले नहीं बनाते, लेकिन इस बार देखते हैं बहुत अच्छा ये लोग बना रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर पढ़ाई के अलावे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सब करने से, ट्रेनिंग होने से बच्चों में पढ़ाई खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं लग रहा? ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ इन सब का होना बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ खेल भी होना चाहिए, खेल के माध्यम से भी ये बहुत चीज़ बच्चे सीखते हैं। तो चलिए मैं कुछ बच्चों से भी जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? परिधि कुमारी। विद्यालय में सरकार के द्वारा कई योजनाएं चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री, तो इसमें कोई मंत्री तुम्हें भी बनाया गया है? यस सर, मैं स्कूल की प्रधानमंत्री हूँ। बहुत सुंदर। तो आज आपको प्रोजेक्ट में क्या मिला है और आपने क्या बनाया? मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिले थे और मैंने उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स बनाया। क्या क्या ऑप्शन आपको मिला था, कई तरह का प्रोजेक्ट में क्या क्या मिला था? जैसे कि प्लास्टिक से प्रदूषण, पर प्लास्टिक से हानि, हाँ ठीक, फिर प्रदूषण के कारण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि। अच्छा, और इसमें फर्स्ट एड आपने चुना? यस सर। दिखाइए क्या क्या फर्स्ट एड के लिए क्या क्या है उसमें? इसमें पहले फर्स्ट एड क्या हर घर में होना जरूरी है? यस सर। चलिए क्या क्या है फर्स्ट एड में, आपने क्या क्या दिखाया, क्या क्या है बताइए? फर्स्ट एड बॉक्स में पहले डेटॉल है, ठीक, उसके साथ कॉटन भी है, ठीक, फिर ये आई ड्रॉप है, ठीक, क्या चीज में काम आता है ये सब? सॉरी, ये ईयर ड्रॉप है। ईयर ड्रॉप है, ये सब मतलब कान की सफाई के लिए है। और ठीक, ये सीजर है, ठीक, ये मेडिसिन, कुछ मेडिसिन है जो जरूरत की चीज है ना? ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अंशु प्रिया। देख सकते हैं दोस्तों ये अंशु है। किस क्लास में हो तुम? क्लास 8 में हो। क्या बनाई हो इतना खूबसूरत चीज? सूर्यमुखी। तुम किस टोली से हो? सूर्यमुखी से ही हो। ये सर लोग को गिफ्ट करने के लिए लाई हो? तो देख सकते हैं दोस्तों ये हैंडीक्राफ्ट बनाया गया है, जो कि इसमें प्रोजेक्ट में मिला था, कई तरह के प्रोजेक्ट में हैंडीक्राफ्ट जो अपने हाथ से बनाना था, तो इस तरह से। क्या नाम है तुम्हारा? पायल कुमारी। तुमने आज किस प्रोजेक्ट पर काम किया है? गुलदस्ता। गुलदस्ता, जो आप देख सकते हैं कि आज लगभग 50, 100, 150, 200, 500 तक लगा कर ये बनाते हैं लोग, और शिक्षकों को अतिथियों को देते हैं। आज बच्चे ये देख सकते हैं, इसका इतना मान्य है कि 1000 रुपया भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा अगर मार्केट से बुके। बच्चों का मेहनत ही देख सकते हैं, ये मेहनत से कितना खूबसूरत, जैसा बढ़िया से दिखाओ इसको। हाँ, कितना देर लगा तुमको बनाने में इसको? आधा घंटा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया कुमारी। प्रिया, तुम किस प्रोजेक्ट पर काम किया आज? बुके। देख सर जैसा दिखाइएगा, हाँ, कितना खूबसूरत बुके है। और ये सर को आज आए हैं सर हम लोग के बीच, उनको आज भेंट दे। तो क्या नाम है तुम्हारा? कोमल कुमारी। कोमल, तुम बहुत सुंदर बनाई हो फर्स्ट एड, है ना? तो देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट एड में क्या क्या है तुम्हारा सामान? सर डिटोल है और जो जरूरत काम है। तो देख सकते हैं बहुत सारा प्रोजेक्ट है, मैंने कुछ बच्चों को ही देखा जाए तो हर बच्चे बनाया। क्या तुम लोग बनाए हो कि नहीं? हाथ ऊपर करो। देख सकते हैं सभी बच्चे कुछ ना कुछ बनाए इधर।
हाँ देख सकते हैं सब कुछ ना कुछ बनाए हैं ये कुछ ना कुछ। तो दोस्तों बस मैं अब जो है आपके बीच प्रथम सोपान का ये जो है कार्यक्रम। चलो आ जाओ तो एक लड़का। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? नारायण कुमार सर। नारायण क्या बनाए हो प्रोजेक्ट में आज? किस तरह का है ये प्रोजेक्ट? ये सर रिपोर्ट कार्ड है जो पहले मिला था। अच्छा अच्छा। और इसमें हम अपने विद्यालय के बच्चों और शिक्षक के लिए अपने सदस्यों के लिए सदस्यों का नाम अंकित किए हैं। अंकित क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार। क्या बनाया हो तुम? फर्स्ट एड बॉक्स। क्या क्या है इसके अंदर? डिटॉल है। हाँ ये सब का क्या काम पड़ता है? किसी को सलाइन चढ़वाने का जरूरत पड़ेगा तब जो कमजोर हो जाते हैं उसके लिए है। तो ठीक है धन्यवाद। अंडरग्राउंड के लिए पोजीशन। अंडरग्राउंड पैर खोलो जैसे थे। राउंड क्लैप्स। राउंड ठीक है राउंड क्लैप्स गो 1 2। दोस्तों धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार आजाद स्काउट जिला प्रशिक्षक भागलपुर।